अब अगर कोई इस विलायत से मिटाना चाहे, कम से कम हमारे अंदर, चाहे हम किसी भी तफक्कुर से ताल्लुक रखते हो, किसी नजरियात से ताल्लुक रखते हो, खूब नजरियात रखना, इख्तलाफ रखना बायस रुश्त होता है, ना बायस इख्तलाफ होना चाहिए। लेकिन हम सब का महवर क्या है? अली, इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है ना किसी को, तो फिर हम इसी नाम पर सब जुड़ क्यों नहीं जाते? दुश्मन इसी से घबराता है। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये दुश्मन यहां गली कूचे का नहीं है, ये दुश्मन इसराइल की यूनिवर्सिटियों में कई साल से मजहब तशय्यो को पढ़ रहा है, कई साल से। क्यों? अल्लाह, ये कौन लोग हैं, ये कौन है कि हम इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना कुछ करते हैं, मगर ये अजीब है, ना हम इनको मार पाते हैं, ना हरा पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। वो जवान भी क्या कहते हैं कि जब जंग हुई तो कहा, ये इतने बड़े बड़े टैंक लेकर आए कि जिसमें 18 लोग बैठते थे, जलजला आता था, उसको कोई चीज तबाह नहीं कर सकती थी, मगर इन जवानों ने क्या किया, मिसाइल वहीं मारते थे जो खुद टैंक के मिसाइल के निकलने की जगह होती थी। 360 टैंक उड़ाए, ये जहनी मरीज हो गए। इनसे पूछा, क्या किया तुमने? कहा, हम तो कुछ नहीं करते थे, हम तो कहते थे या सैयदा, आप जाने और मिसाइल जाने। या अली या अली या अली, मदद हक अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। ये कमाल है ना, क्यों? क्योंकि जानते हैं कायनात का निजाम किसके हाथ में है। हाँ, हमें अपना फर्ज निभाना है, हमें अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है, बाकी वो जाने, उनका काम जाने।